गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा 14 तारीख की शाम का क्लिप है। मेरी सासू माँ का उपवास था तो मैं फलहार बना रही हूँ, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। ये तो नॉर्मल सब बनाते हैं, ऐसे मैं बना रही थी तो शूट कर ली थी। इसमें आलू है, मूंगफली है, हरी मिर्च, जीरा और सेंधा नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है। मैंने तेल डालकर पहले जीरा और मिर्ची डाल दिया है गर्म होने के बाद, और फिर इसमें मैं आलू डालूंगी। आलू तो मेरा थोड़ा जलने लगा था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद आलू मैंने कट नहीं किया था, फिर आलू कट कर थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैंने नमक और मिर्ची पाउडर डाल दिया। मिर्ची पाउडर डालने के बाद फिर और थोड़ा सा नींबू का रस भी था, फिर मैं मूंगफली डाल दूँगी। मूंगफली डालने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और हमारा आलू तैयार हो गया। अच्छा लगता है खाने में, ऐसे भी बिना व्रत का भी बनाकर खा सकते हैं। बिना व्रत का खाएं तो अपना नॉर्मल नमक जैसे डालते हैं वैसे ही डाल दें तो अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। व्रत में धनिया नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं धनिया नहीं डालूँ। कितने लोग खाते हैं धनिया, पर मैं नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं अपनी सास माँ को भी नहीं देती हूँ धनिया। पहले वो खाती थी, अब मैं जा रही हूँ रात का डिनर बनाने, रात का खाना बनाने जा रही हूँ। तो वो मैं आप लोग, आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी बना रही हूँ। तो देखिए, मैं चावल के आटा को गूँथ लिया है मैंने, और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू गोभी मटर की मस्त चटाकेदार सब्जी बनाऊंगी। तो पहले मैं तेल डालूंगी, तेल डालकर गोभी को मैं एकदम लाल सा फ्राई कर लूंगी। और मैंने इसे जाली में धोकर, देखिए गोभी भी फ्राई कर लिया है और आलू को भी निकाल लिया है मैंने। मैंने थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ाया है कि बहुत लंबी वीडियो थी, एक घंटे की वीडियो थी, तो कट छट कर कर तो कम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। खाना इतनी जल्दी थोड़ी ना बनता है। तो वही फिर मैंने ऐसे फ़ौरन वगैरह जो भी प्याज व्याज था डाल दिया, सूखे मसाले को ऐसे पानी में घोल कर, ये सब्जी मैंने जैसे गाँव में बनता है ना वैसे मैंने बनाया है। तो इस तरह बनाया, थोड़ा सा जो लहसुन मिर्ची था और आधा प्याज मैंने कट करके डाला है। तैयारी भी मैं आप लोग को साथ में ही दिखाया है मैंने, थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है। देखिए, टमाटर को भी कट करूँगी और डाल दूँगी कट करके, पीस का मैंने नहीं डाला है। एकदम ऐसे गांव में बनाते हैं ना ऐसे ही, तो गांव में थोड़ा सिलबट्टा रहता है, तो मेरे पास भी है सिलबट्टा, कभी आप लोग को सिलबट्टे पर पीस कर भी सब्जी बताऊँगी कैसे बनती है सब्जी। और फिर नमक वगैरह डाल देंगे और थोड़ा उसको ढक देंगे कि थोड़ा टमाटर गल जाए, और तो फिर मटर को अपना पानी में डाल देंगे जो थोड़े बहुत के हमारे घर मटर में, मेरे घर जितना भी आता है हम लोग छील कर रख देते हैं कि आसान पड़ता है, जब चाहो तब अपना यूज़ कर लो, ऐसे बार बार छीलना नहीं पड़ता है। पानी में ऐसे घोलो और फिर मैं मसाले वाले बर्तन में ही निकाल लूँगी, जो मसाला लगा है कटोरी में वापस लपेट कर चला जाएगा भाजी के अंदर। ऐसे कीड़े वड़े दो पाँच तीन पानी से धो लेंगे। और फिर देखिए मटर में डाल दूँगी कि मटर, क्योंकि आलू बॉयल है, अपना गोभी भी पक गया है, थोड़ा मटर भी ऐसे पक जाएगा। और पकने के बाद देखिए फिर मैंने ये सब्जी भी डाल दिया है, मैंने सब क्लीन कर दिया है, पोछ ओछ दिया, ऐसे मुझे ऐसे फैला फैला में काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे मैंने सब वो कर दिया है, साफ ऑफ कर दिया। देखिए सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, और लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो और टेस्टी सब्जी लगती है। आप लोग भी बनाइएगा। मैं सब्जी भून ओन कर और थोड़ा आकर अंदर बैठी हूँ तो आप लोग से बात करें, आवाज़ मेरी सुनाई नहीं पड़ रही थी इसलिए मैंने आप लोग से आवाज़ मैंने बंद कर दिया है। और मैं यही आप लोग से बोल रही हूँ कि सब्जी मैंने चढ़ा दिया है और आप लोग से मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जा ही नहीं रही है, यही सब बात मैं आप लोग से कर रही हूँ। और ये बताइएगा आप लोग की शादी ब्याह का सीज़न तो अब बीत गया है, अब एक महीने बाद आएगा, तो किस किस के घर शादियाँ पड़ी हैं, और अपना कमेंट भी लिखकर, और प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
मैं आप लोग से यही कह रही हूँ कि चावल के आटे की रोटी बनाकर और मसालेदार सब्जी के साथ खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और जो मैंने चटनी बताई थी आप लोग को कल, तो उसके साथ भी वो रोटी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। ये महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा ही बनता है, तो ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है बनाना। मेरे घर थोड़ी मोटी और कड़क रोटी बनती है, नहीं तो ये पतला पतला रोटी भी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। लोग चिकन मटन के साथ भी खाते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाते हैं, टमाटर की जो ठीचा वगैरह बोलते हैं ना मराठी लोग, तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। हर तरह से खाते हैं, ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप लोग भी बनाकर खाइए। इस समय आप लोग से बातें कर रही हूँ और मैं बोल रही थी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोग से। देखिए मेरी सब्जी भी भुन गई है और फिर मैं वापस किचन में आकर सब्जी को देखी, सब्जी भुन गई, फिर मैंने पानी डाला और पानी डालने के बाद थोड़ा और पानी डाला और मैं ढक दूँगी उसको। बाकी देखिए मेरे बर्तन वर्तन थोड़े पड़े वड़े हैं, तो ये सब अभी मुझे कुकर को यूज करना है। मेरे हस्बैंड सुबह 6:30 बजे का ही ऑफिस गए हुए थे, तो हस्बैंड मेरे सुबह 6:30 बजे का ही गए थे, तो अभी मुझे उसमें चावल थोड़ा बनाना है। एकासी को चावल तो नहीं बनाते हैं, पर क्या करें, मजबूरी रहती है, सुबह बिना कुछ खाए पिए जाते हैं, टिफ़िन भी नहीं लेकर जाते हैं। अगर सुबह मॉर्निंग में गए तो, इधर शादी में गए थे हम लोग, तो उनका काम बहुत थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वही करने के लिए सुबह 6:30 बजे ही चले जाते हैं। बोलती हूँ टिफ़िन बना देती हूँ तो बोलते हैं नहीं नहीं सुबह का अच्छा रोटी वोटी सब ठंडी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कुछ कैंटीन वगैरह में खा लेते हैं, नहीं वो करते हैं, तो इसलिए शाम को थोड़ा अच्छे से चावल वगैरह बना देती हूँ अगर सुबह 6:30 बजे जाते हैं तो। तो अभी तो पहले मैं फ़िलहाल ससुर जी को खाना दूंगी, तो ससुर जी मेरे रात को ऐसे नॉर्मल रोटी सब्जी चावल वो नहीं लेते, कभी कदार ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, और दूध अधिकतर दूध रोटी भी खाते हैं, तो ये चावल की रोटी है तो इसके लिए वो दूध के साथ तो खाएंगे नहीं, मसाले वाली सब्जी है उसके साथ खाएंगे, तो वही मैं फटाफट उनको सेक सेक कर दे रही हूँ। और देखिए ऐसे जल्दी जल्दी रोटी बेल कर ऐसे तवे पर डालेंगे तो आपकी एक साइड की रोटी सीधी है, जल्दी जल्दी बनेगी भी रोटी। ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, अच्छे कड़क कड़क सेकते हैं, फटाफट फटाफट फिर मैं बना रही हूँ रोटी, बनाकर ससुर जी को खाना दूंगी और मैं इनके लिए इनका रोटी रोक दूंगी, ये जब आएंगे तब मैं बनाऊंगी, अभी आए नहीं थे तो इसलिए मैंने कुकर रख दिया कि उनके आने चाय पानी दूंगी, तब तक चावल हो जाएगा। थोड़ा सा चावल बनाने में कितना टाइम लगता है, कुकर में फटाक से एक सीटी में बन जाती हैं। और देखिए मैं ससुर जी को खाना देने जा रही हूँ रोटी, और ये थोड़ी रोटी मोटी रहती है, कड़क रहती है, तो वैसे ही उन लोग खाते हैं, चावल की रोटी पतली वाली नहीं खाते। और मेरे पास दिन की थोड़ी सब्जी बची थी, आलू मटर की बनाई थी, तो वो भी मैंने गरम कर दिया, तो थोड़ी थोड़ी सबको दे दूँगी। तो देखिए मैं आप लोगों को खिला रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, और फिर ये सब थोड़ा सा सब हटा वटा कर, सास का व्रत ही था, ससुर जी को खिला दिया, मेरी बेटी शाम को नाश्ता की थी तो उसने खाना ही नहीं खाया, तो इसीलिए फिर थोड़ा साफ ऑफ क्लीन व्लीन कर वर कर फिर देखिए मैं इस साइड चावल भी रखी हूँ कुकर में, तो अपना चावल भी हो रहा है, ऐसे पोछ पाछ कर सब अपना जो भी चकला बिलना जो भी था सब मैं धोकर, ऐसे मुझे ना गंदे वंदे में काम करना अच्छा नहीं लगता, फैल फैल कर फैला कर सारा काम वाम करना अच्छा नहीं लगता है। अभी मेरी किचन भी गंदी हो गई है, उसको थोड़ा साफ़ करना है, मायके गई थी तो थोड़ी बिखर गई है किचन। अब सबके काम करने का तरीका अलग रहता है, मेरे सासू माँ का अलग रहता है, मेरा अलग रहता है तरीका, तो तरीका सबका थोड़ा बहुत अलग रहता है। देखिए मैं पोछ ओछ कर सब अपना वो कर दूँगी, कपड़े उपड़े सब। अब देखिए मैं अपने मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं पानी वानी उनको देकर उनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी ससुर जी को मैं दूध दूँगी पीने के लिए, चाय में देखिए चीनी चाय पत्ती सब डाल दूँगी, थोड़ा सा दूध केवल दूध में ही उनको चाय में बना रही हूँ। ये मेरा शाम का इवनिंग का रूटीन है मेरा, हस्बैंड थोड़ा लेट हो जा रहे हैं आजकल आने में, इसलिए चाय, और अब सुबह का गए हुए चाय तो चाहिए ना, तो वही थोड़ा उनके लिए चाय बना रही हूँ। जाने मन चुपके चुपके
सारी दुनिया से छुपके साने मन चुपके चुपके। देखिए तो काली मिर्च डालें, काली मिर्च डालें सर्दी की तरह, थोड़ा मुझे भी हुआ था तो मेरा पीने का मन था थोड़ा चाय, तो मैं काली मिर्च डाल दूँगी कूट कर। अदरक ख़त्म हो गया था तो फिर चाय में डाल देंगे, मस्त चाय बन जाएगी फटाफट। अभी देखिए मैं दूध भी दे रही हूँ ससुर जी को अपने, रात को सबको, सास को मैंने पहले ही ये सब दे, अनाज वनाज बनाने से पहले उनको मैंने फ्राई करके आलू दूध सब मैंने दे दिया था उनको, कि ऐसे ऐसे भी छुआए नहीं अनाज में सब। मैं दूध देने गई हूँ ससुर जी को, अब मैं आ गई दूध देकर, चाय भी मेरी खोलने वाली है। जो थोड़ी सी ऊपर आई, फिर मैंने ऐसे हवा भी चल रही थी तो थोड़ा गैस का इधर उधर हो रहा था। देखिए चाय हो गई मेरी, मैं फटाफट छान कर दे दूँगी, फिर मैं उनका खाना भी लगाऊँगी। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, एकदम मस्त कड़क वाली चाय। फिर मैं उनके लिए पापड़ सेक रही हूँ, और पापड़ ओपड़ थोड़ा सुबह का गए हैं तो शाम को जब हस्बैंड लोग आए तो अच्छे से खाना वाना दो ना, तो हस्बैंड लोग खुश हो जाते हैं, तो ऐसे शाम को अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो ऐसे कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं, कितने लोग खाए पिए भी रहते हैं तो सूखा सूखा रहता है, तो शाम को अच्छे से देना चाहिए। मेरी बेटी मस्ती कर रही है आकर, देखिए मस्ती कर रही है आकर पापड़ के लिए, उसको पापड़ बहुत पसंद है, पापड़ के लिए आकर खड़ी है। और देखिए चावल, बाय।